हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीकॉम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने जियो एयर फाइबर वाईफाई का नाम और पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो ज्यादा ना करते दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज करने के लिए आपने सबसे पहले माई जियो ऐप को ओपन कर लेना है और इस ऐप में आपने अपने जियो एयर फाइबर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने माई जियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर आपका जो जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है उसकी डिटेल्स नजर आ जाएंगी। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको आपका जो प्लान है वो यहाँ पे पहले शो किया जाएगा कि आपका कितना डाटा बचा है, कितना आपने यूज कर लिया है। और उसके बाद आपकी जो एप्स हैं OTT वो आपको शो करी जाएंगी कि आपकी कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन है। इसके अंदर आप चाहें तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके कौन कौन सी ऐप्स हैं जो आप इस प्लान के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे, आपको एक सेक्शन मिलेगा माई वाईफाई का। आपने यहाँ पे वाईफाई सेटिंग पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ऊपर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एडिट नेम और एडिट पासवर्ड। आप देख सकते हैं जो मेरा जियो एयर फाइबर है उसका अभी मैंने नाम रखा हुआ है फतेह। तो जैसे ही मैं एडिट नेम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नया नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है टेलकम गुरुजी, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब अगर मैं पासवर्ड भी चेंज करना चाहता हूँ तो पासवर्ड पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना नया पासवर्ड डालना है और एक बार उसको फिर से कन्फर्म पासवर्ड पे सेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना नया पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों सेम डाल दिए हैं और मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा वाईफाई का नेम है और पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगा जब आप अपने जियो एयर फाइबर को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करोगे। तो मैं एक बार अपने जियो एयर फाइबर को स्विच ऑफ करके ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने अपने वाईफाई का जियो एयर फाइबर का नाम चेंज किया था वो अब हमारा चेंज होके आ चुका है। थोड़ा समय लगा लेकिन यहाँ पर जो हमारा वाईफाई नेम है वो चेंज हो चुका है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमें जो नया पासवर्ड हमने बनाया था वो एंटर करना पड़ेगा। मैं जल्दी से यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है वो नए नाम के साथ कनेक्टेड हो चुका है। तो इस तरह करके आप अपने जियो एयर फाइबर वाईफाई का नाम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।